हाँ जी गाइस, आपको देखने से लग ही रहा होगा कि ये सर्दियों की वेजिटेबल्स है। हाँ जी, ये है शलगम चुकंदर, जिन्हें मैंने पहले से ही कट करके वॉश करके रख लिया है। आज हम इसी की रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही आसान सी, इजी और मज़ेदार। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कामना और कामना की रसोई में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने कुकर, कुकर में हम हमारे सारे वेजिज ऐड कर देंगे। ये देखिए, सारे वेजेस मैंने इसमें ऐड कर दिए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे ये दो बड़े साइज़ की प्याज को मैंने पहले से ही कट करके रख लिया था, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ के साथ ही इसमें ऐड करना है हमें दो बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर, हम हमारे टमाटर भी ऐड करेंगे। और साथ ही में 12 से 15 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई मसाले। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और नमक रखेंगे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 बड़ा चम्मच इसमें ऐड करना है हमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और 1/2 गिलास पानी डालकर हम इसमें सीटियां लगा के पकने के लिए रख देंगे। 3 से 4 सीटियों के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये सब्ज़ी बहुत पानी छोड़ती है, तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये हाफ़ गल चुकी है और अभी इसमें पानी बहुत है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी एक और चीज़, एक और इंग्रेडिएंट्स हमारा। यहाँ पर लिया है मैंने मटन, मटन को अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और अब हम हमारा मटन इसमें ऐड करेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं शलगम चुकंदर गोश्त, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, तो ये सर्दियों की सबकी फेवरेट रेसिपी होती है। बस अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी हमारी सब्ज़ी में बहुत है, इसी के अंदर हो जाएगा आराम से। और मटन भी पानी छोड़ता है। वापस से हम 3 सीटियां लगाएंगे और ये देखिए, हमारा मटन अच्छे से गल गया है, लेकिन अब भी पानी है इसमें, तो इसे ड्राई करेंगे खोल के ढक्कन। और यहाँ पे ये अच्छे से ड्राई हो जाए जब तक, हम इसे इसमें ऐड करेंगे साथ के साथ ही 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म मसाला, ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है गर्म मसाले का रेसिपियों के अंदर। और यहाँ पे जब तक हमारी सब्ज़ी का पानी सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, यहाँ पे हम तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने ढेर सारे लहसुन का तड़का तैयार कर लिया है और अब हम हमारी वेजिस में इसे ऐड कर रहे हैं। और ये देखिए, हमारी रेसिपी में हमारा तड़का लगकर हमारी शलगम गोश्त की रेसिपी कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है, सर्दियों की सबकी फेवरेट होती है शलगम गोश्त। तो चलिए फ्रेंड्स, यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ये लीजिए, तैयार हो गया बनकर हमारा सर्दियों का फेवरेट, सबकी सबका और हमारा भी शलगम गोश्त। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।